हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय नर्सिंग स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। मैंने पिछली वीडियो पे सिर्फ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है वो बताई थी, बट इन दिस वीडियो मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू रिमेम्बर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वेरी इजीली। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी उस ट्रिक को अपनाना चाहोगे जो मैं अपनी एग्जाम्स के टाइम करती थी? तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बुक्स में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया होता है वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आज हम कुछ न्यू और डिफरेंट चीज सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हम कुछ इस तरह से एकदम इजी वे से एग्जाम में लिखेंगे। इस तरह से लिखने से हमें अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा और ये शेड्यूल आपको बहुत जल्दी भी याद रह जाएगा और आपको एग्ज़ाम के टाइम लिखते वक्त कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं आएगी। ये तो हो गया आज बाद से लेकर 12 मंथ तक की इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब हम देखेंगे कि चिल्ड्रेन और जो हमारी प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं उनका कैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होती है। इस तरह से आप एग्जाम्स पे लिखोगे तो आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जल्दी याद आ जाएगा और आप बहुत ही कम टाइम पे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को अपने एग्जाम पेपर में लिख पाओगे। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।